पैंडेमिक के बाद से ही हर्ष वेकेशन एक टर्म है जो अब ट्रेंड कर रहा है। हर्ष वेकेशन को आपको नॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा टर्म है जिसमें लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वेकेशंस पे चले जाते हैं। वेकेशंस पे जाने के बाद वो बिना अपने बॉस को बताए अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं और काम को भी। इन दिनों कर्मचारी हर्ष वेकेशन सुविधा का अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं। कई कर्मचारी अपने बॉस को बिना बताए यात्रा पर निकल जाते हैं। हर्ष वेकेशन रुझान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे कई लोग अपनाने लगे हैं। अमेरिका के बोस्टन में वाइसा के मुख्य मनोवैज्ञानिक स्मृति जोशी ने कहा है कि इन दिनों कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का पूरा लाभ उठाते हुए छुट्टी मनाने निकल जाते हैं और इसके विषय में उनके बॉस को जानकारी भी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि कर्मचारी यात्रा आदि के लिए छुट्टी मांगने से कतराते हैं, क्योंकि अधिकतर ऑफिस में आसानी से अवकाश नहीं मिलता है। वहीं अब कई ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म हो रही है, जिसके चलते कर्मचारी वक्त रहते अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर कर्मचारी अपना काम समय से पूरा कर रहे हैं तो बॉस के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वे किस जगह से काम कर रहे हैं। अगर प्रबंधकों को पता चलता है कि उनकी टीम में से किसी कर्मचारी ने हर्ष वेकेशन का पालन किया है तो उन्हें कर्मचारी से बात करनी चाहिए। बहरहाल जब इस मामले को लेकर ऑफिस के कुछ लोगों से पूछा गया तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। वंशिका, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस, अगर ऐसा हो कभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप और उसके साथ आप वेकेशन भी एंजॉय कर रहे हो, आपके बॉस को पता चल जाए, फिर आप क्या करोगे? एक्सपीरियंस है नहीं मेरा। मतलब आप एज ए यूथ आपको लगता है कि ये टर्म सक्सेस है? नहीं, नहीं। बॉस बहुत खड़ूस होते हैं। रिपोर्टिंग मैनेजर हों या आपके एडिटर हों, जैसे हम न्यूज फील्ड में काम करते हैं जी, तो उनके साथ आपको कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। उनको आपको सब कुछ बताना चाहिए और अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग करते हैं ना वो, लेकिन यदि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब कुछ नहीं। आपका एडिटर आपका भगवान है। आप अपने बॉस से छुट्टी मांगते वक्त कैसे डील करते हैं? मांगते ही नहीं, मिल जाती है, बिना कहे मिल जाती है। हर्ष वेकेशन जो टर्म है हम अभी सबसे जिक्र किया, आपको क्या लगता है इस टर्म के बारे में? हर्ष वेकेशन टर्म ऐसा है कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो उसके साथ वेकेशन भी एंजॉय कर रहे हो, तो आपके बॉस को अगर पता चलता है तो आप क्या करोगे? पता नहीं, अगर बॉस माफ कर दे तो ठीक है, वरना निकालना हो तो निकाल देंगे। क्या इस तरह के टर्म्स का चलन होना सही है? इसमें दिक्कत क्या है? अगर काम हो रहा है तो फिर घूमने में क्या जाते हैं, माथा पच्ची करने से अच्छे घूम लो। नहीं, अगर हर्ष वेकेशन के दौरान कुछ ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो और यहाँ वेकेशंस भी एंजॉय कर रहे हो, तो काम कर रहे हैं ना, अगर रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो बॉस निकाल दे। जी, हर्ष वेकेशन जो है वो किस हद तक सही है? मतलब टर्म है जिसमें आप अपने बॉस से छुट्टी लिए बिना कहीं घूमने निकल जाते हैं या बहाना बना के, कभी अपने ऐसी छुट्टियां ली है? नहीं, मैंने ऐसी छुट्टी नहीं ली। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? मौका मिलेगा तब भी नहीं लूंगा। हर्ष वेकेशन टर्म को कितने हद तक आप सही मानते हैं? जिनको लगता होगा कि ऐसा करना सही है उनके लिए सही है। मेरे साथ सोशल मीडिया टीम से इस समय राहुल हैं। राहुल, आपने कभी वर्क फ्रॉम होम के दौरान छुट्टी मारी है या फिर घर पे अगर आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप घूमने भी निकल गए हो, ऐसा किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं किया है, लेकिन मौका मिले तो जरूर करना चाहेंगे। अच्छा, इन दिनों हर्ष वेकेशन एक टर्म चल रहा है जिसमें इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ये किस हद तक सही है? नहीं, सही तो नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि भाई जिस काम के लिए आपको रेफर किया गया वो करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। ये वेकेशन को चूज करने पे बाद में हमें प्रॉब्लम, इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, बताइए, बाद में इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस फिर हमें डांटेंगे। नहीं नहीं, अब जैसे हर्ष वेकेशन पे आप बाहर हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और उसके साथ साथ आप वेकेशन को भी एंजॉय कर रहे हैं, तो किस हद तक सही है? अगर आपके बॉस को पता चलता है तो क्या डांटना सही है, क्योंकि काम तो आप कर ही रहे हो ना, आप वेकेशन से एंजॉय। उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें काम से मतलब है और काम हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।